जो शौक है वो पूरा करने के लिए आते हैं, मगर यहाँ के लोगों के लिए जो जिम्मेदारी उनकी बनती है, हर दूसरी जो राज्य सरकार है, दूसरे सरकार वहाँ चले जाइए, किस तरह से भाषा नीति बनी हुई है वहाँ पर, जो दूसरे जो UPSC का जो क्वालिफाई करके भी जो आते हैं IAS IPS, उनको वहाँ की जो भाषा में वहाँ पर एग्जाम देना पड़ता है हर साल, तभी उनको प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी मिलता है सैलरी में। कहाँ हैं आप लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? हम भी उसी देश का हिस्सा है झारखंड, और ये झारखंड अपनी खनिज संपदाओं के बदौलत अगर सरकार इसमें सही तरीके से उद्योग नीति जो है उसको लागू करती तो आज ये राज्य आत्मनिर्भर होता, और किसी का भी ये स्टेट ये सेंटर के बजट के ऊपर हम लोग को निर्भर नहीं रहना पड़ता। इतना राजस्व की हानि हो रही है, टाटा कंपनी जो अपने आप को विश्वस्तरीय बताती है वो क्या कर रही है, वो तो हजारों करोड़ के रॉयल्टी के डिफॉल्टर है, मगर क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है? मगर नहीं करेगी। क्या जिला प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है? नहीं करेगी। लोगों को, हमारे वहाँ के लोगों को, जो बसे हुए लोगों को वहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है, खुलेआम परेशान किया जाता है, उनकी जो अपना घर छोड़ के जाने के लिए मजबूर किया जाता है, और प्रशासन चुप है, शासन चुप है, और वो इतनी रॉयल्टी कमा के बैठा है, CSR अपना दिखाता है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमें पता है उनके हाथ जो है हमारे अपने लोगों के जो है खून से सने हुए हैं, मर्डर तक कर देते हैं ऐसे लोग।